इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। आप दफ्तर के पास बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता समेत कार्यकर्ता मौजूद। वहीं आगे आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आप दफ्तर के आसपास लगाई बैरिकेडिंग। आम आदमी पार्टी देशद्रोही संगठनों से पैसा ले रही है, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से पैसा ले रही है, तो ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है या नहीं, ये भी एक बार देखना होगा। मतलब देश के टुकड़े करने वाले, देश को तोड़ने की बात करने वाले, ऐसे आतंकी संगठनों के साथ आप जाके हाथ मिलाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। 134 करोड़ रुपया लिया आपने अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए। आप इतनी आपकी राजनीतिक भूख बढ़ गई है कि आप देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएंगे। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं और मांग करता हूं तुरंत समय अवधि के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल और ऐसे लोगों को जो शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे एक आतंकी संगठन जो प्रतिबंधित है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, आप उनसे पैसा ले रहे हैं? मतलब आपको इतनी भी लज्जा शर्म नहीं है कि अपनी राजनीतिक बुक के लिए आप देश को दांव पे लगा देंगे? शर्म आनी चाहिए। सर, सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि हमें एक बात बताएं सौरभ भारद्वाज, कि आप आतंकी प्रतिबंधित संगठनों से पैसा ले रहे हो कि नहीं, आप उनके एजेंट हो कि नहीं, ये बताएं।